कहानी शुरू होती है एक लड़की मीना और उसके बिजनेस पार्टनर चार्ली को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इन्हें बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने का सोचते हैं और सुसाइड पर एक घर को किराए पर लेते हैं। चार्ली का भाई भी इनके ऑफिस में आता है अपनी वाइफ मीना को लेने के लिए। वो लोग घर चले जाते हैं और उधर चार्ली भी अपने घर चला जाता है, जहाँ हम उसकी वाइफ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ये दोनों एक साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। चार्ली एक कामयाब बिजनेसमैन था। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है चार्ली के अपने भाई की बहुत फिक्र रहती थी। जहां वो एक कामयाब बिजनेसमैन था, उधर उसका भाई एक मामूली ट्रक ड्राइवर था। एक दफा एक आदमी को बहुत ज्यादा मारने की वजह से वो जेल भी जा चुका था, पर उसकी खुशकिस्मती उसे एक मीना जैसी ऑलराउंडर लड़की मिल गई थी जिसने उसे बहुत बदल दिया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब जैसे हमें पता चलता है इन्होंने ट्रिप प्लान किया था, इसीलिए सुबह होते ही चार्ली अपने भाई और मीना को इनके घर से लेने आता है। ये लोग रास्ते में काफी बातें करते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सी साइड पर ये घर काफी खूबसूरत लगता है, जहां का मालिक उन्हें इस घर को दिखाता है। और यहां चार्ली की वाइफ कहती है कि मैं अपना टेलीस्कोप घर ही भूल आई हूं, इसके बगैर यहां मजा नहीं आएगा। घर का मालिक उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मेरे पास एक टेलीस्कोप है, रात होने पर मैं आपको दे जाऊंगा। अब चार्ली और उसकी वाइफ सामान सेट करने में लग जाते हैं और उधर मीना और उसका शोहर उस घर को अच्छे से देखते हैं। उनको इस घर की पिछली साइड पर एक अजीब सा स्टोर मिलता है जिसका दरवाजा एक तिजोरी से बंद किया गया था। ये लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और समंदर के किनारे सैर करने के लिए चले जाते हैं। चार्ली और मीना आगे आगे जा रहे थे, पीछे इसका भाई और चार्ली की वाइफ बातें कर रहे थे। मीना का शोहर मीना को लेकर काफी इनसिक्योर था क्योंकि मीना एक जहीन लड़की थी, उसके सामने वो कुछ भी नहीं था। तब चार्ली की वाइफ उससे कहती है कि तुम परेशान ना हो, मीना सिर्फ तुमसे प्यार करती है, उसे तुम्हारे प्यार और सपोर्ट के अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इन बातों के बाद अब कपल आपस में मजा करते हैं और घर आ जाते हैं। घर आने के बाद इनको घर के अंदर एक टेलीस्कोप मिलता है। मीना कहती है कि ये घर हमने किराए पर ले लिया है और इसका मालिक कैसे हमसे पूछे बगैर हमारे घर के अंदर आ सकता है, उसके लिए ये बात काफी परेशान करने वाली थी, लेकिन सब इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अब ये लोग डिनर करते हैं और चार्ली की वाइफ इन्हें बताती है कि वो सुबह होने पर यहाँ करीब एक वाटरफॉल में जाएंगे, जगह सच में खूबसूरत थी। इन सब ने इन ट्रिप के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ था और चार्ली की वाइफ के पास इन सब के लिए एक सरप्राइज भी था। मीना जब उससे उस सरप्राइज के बारे में पूछती है, वो इन सब को एक ड्रग्स दिखाती है। ये खास ड्रग्स उसने बहुत मुश्किल से लिया था। सब इस ड्रग्स को लेने के लिए मान जाते हैं क्योंकि चार्ली की वाइफ को वाटरफॉल को देखने के लिए जल्दी उठना था, वो सोने चली जाती है। वो तीनों यहाँ पर ड्रग्स लेते हैं। सोई हुई चार्ली की वाइफ के ऊपर कोई ब्लैक कलर का पाउडर डाल रहा था। ये लोग ड्रग्स लेते लेते टेरेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक हॉट टब था। चार्ली के भाई को ड्रग्स लेने के बाद भी बियर पीने की पड़ी थी, वो अंदर बियर लेने के लिए चला जाता है। काफी देर ये उसका इंतजार करते हैं पर वो नहीं आता। मीना उसे देखने के लिए जाती है, अंदर सोफे पर वो गहरी नींद सो गया था। बाहर चार्ली उस हॉट टब से कवर उतार रहा था, वो मीना को भी इस हॉट टब में बैठने का कहता है। वो मान जाती है। ये दोनों काफी हॉट टब का मजा ले रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। बातें करते हुए ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, इनको पता नहीं चला था। ये लोग होश में नहीं थे और जब मीना का डॉग बोलता है तो इन दोनों को होश आ जाती है। मीना वहाँ से उठकर चली जाती है। हम नोटिस करते हैं कि इन दोनों पर किसी ने दूर से नजर रखी थी। मीना जब वॉशरूम में नहा रही होती है, एक दफा फिर चार्ली मीना के पास आ जाता है, जिसके बाद हम सुबह का वक्त देखते हैं, जहाँ पर मीना और चार्ली दोनों ही परेशान नजर आते हैं, जबकि चार्ली की वाइफ और भाई वाटरफॉल पर जाने के लिए पुरजोश थे। जब चार्ली और मीना दोनों वाटरफॉल पर जाने से मना कर देते हैं, तब चार्ली की वाइफ उसके भाई के साथ वाटरफॉल पर चली जाती है। पीछे चार्ली और मीना ही रह गए थे, जो गुजरी हुई रात से एक दूसरे से शर्मिंदा थे। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही इसके बारे में अपने पार्टनर्स को बताएंगे। दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ और उसका भाई वाटरफॉल में बातें करते हैं। वो लोग भी इस ट्रिप को इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है इनके ऊपर किसी ने नजर रखी हुई थी। यहाँ घर पर मीना पूरे घर को साफ करती है और जब नहाने जाती है, तब उसे पता चलता है कि बाथरूम के शावर में कैमरा छुपाए थे। वो जल्दी से चार्ली को बुलाती है। चार्ली सब बाथरूम को चेक करता है और उन्हें पता चलता है कि सब बाथरूम में कैमराज लगाए हुए हैं। मीना को लगता है कि ये सब इस घर के मालिक ने किया है। वो चार्ली से पुलिस को फोन करने को कहती है। तब चार्ली उसे कहते हुए मना कर देता है कि अगर पुलिस को फोन
फोन किया तो हमारी कल वाली रात की वीडियो सबके सामने आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ये सब मेरी वाइफ और या भाई को पता चले। अब काफी देर बाद ये सोचने पर ये फैसला करते हैं, यहाँ पर जो कुछ हुआ वो भूल जाएंगे और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद चार्ली की वाइफ और भाई भी घर वापस आ जाते हैं। चार्ली की वाइफ बहुत गुस्से में थी क्योंकि चार्ली के भाई ने उसके कुछ अफेयर उसे बता दिए थे। चार्ली की वाइफ इन बातों की वजह से उससे काफी लड़ाई करती है। ये सब बहुत परेशान थे। परेशानी में चार्ली की वाइफ इन सबको दोबारा ड्रग्स लेने को कहती है, लेकिन कोई भी इसको लेने के लिए तैयार नहीं था। तभी चार्ली का भाई नोटिस करता है कि उनका डॉग तो घर पर नहीं है। चार्ली और मीना उसका शोहर भी अपने डॉग को ढूंढने लगते हैं। बाहर उसके ढूंढने पर भी उनका डॉग नहीं मिलता तो ये उदास घर पर वापिस आ जाते हैं। चार्ली की वाइफ इन्हें बताती है कि घर का हॉट टब नहीं चल रहा, इसीलिए उसने घर के मालिक को बुलाया है। घर के मालिक का नाम सुनकर मीना और चार्ली दोनों ही डर जाते हैं, जबकि चार्ली का भाई कहता है कि तुमने अच्छा किया, मुझे लगता है कि मेरे डॉग को वही लेकर गया होगा। उसके आते ही मैं अपने डॉग के बारे में उससे पूछ लूंगा। जब घर का मालिक आता है तो सबसे पहले चार्ली का भाई उससे अपने डॉग के बारे में पूछता है, लेकिन घर के मालिक को उसके डॉग के बारे में कुछ पता नहीं था। अब चार्ली और उसकी वाइफ उसे हॉट टब के पास लेकर जाते हैं। जिस वक्त वो हॉट टब ठीक कर रहे थे तब मीना और उसका शोहर अपने डॉग को ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं। घर का मालिक भी घर का काम खत्म करके बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो मीना से मिलता है। उससे बातें करते हुए मीना को शक होता है। वो उससे बाथरूम में लगे कैमरास के बारे में पूछती है। घर के मालिक को उसकी बातें समझ नहीं आती, इसीलिए मीना उसे बाथरूम में लेकर जाती है और शावर में लगे कैमरास दिखाती है। इसके बारे में घर के मालिक को कुछ पता नहीं था, वो खुद भी इनको देखकर परेशान हो गया था। वो पुलिस को फोन करने लगता है। तब पहले मीना और चार्ली भी पुलिस को फोन कर सकते थे, उन्हें अपने आप को भी बचाना था, इसीलिए मीना घर के मालिक को फोन करने से मना करती है। लेकिन जब वो मना नहीं होता तो मीना इसके हाथ से फोन खींचने लगती है। जब घर का मालिक उसको पीछे गिराता है तो इन चीजों की आवाज बाहर चली जाती है। मीना के शोहर को लगता है कि शायद घर का मालिक मीना के साथ बदतमीजी कर रहा है। वो कुछ समझे बगैर घर के मालिक को टब में गिराकर मारने लगता है, यहाँ तक वो मरने वाला होता है, वो बेहोश हो जाता है। चार्ली अपने भाई को रोकने के लिए आता है, तब वो मीना को घर के पीछे ले जाकर पूछता है कि आखिर क्या बात हुई थी। कि मैंने घर के मालिक से घर के कैमरास के बारे में पूछा था, उसको भी कुछ पता नहीं था इन कैमरा के बारे में, वो पुलिस को फोन करने वाला था, मैं तो बस उसे रोक रही थी। इतने में चार्ली की वाइफ इनके पास आ जाती है। आखिर ये हो क्या रहा है? मीना को ना चाहते हुए भी उसे सारा कुछ समझाने के लिए कैमरास के बारे में बताना पड़ता है। यही एक सीन हम देखते हैं कि कोई आदमी खुफिया कैमरे की मदद से इस वक्त भी इन पर नजर रख रहा था। इसके बाद कोई हाथ में ब्लैक कलर के ग्लव्स पहनकर घर के मालिक की सांस बंद करते हुए मारता हुआ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ अब जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करने के लिए जाती है ताकि घर के मालिक की जान बचाई जा सके, जबकि चार्ली घर के मालिक की हालत चेक करने के लिए जाता है। इससे पहले चार्ली की वाइफ एम्बुलेंस को फोन करती, तब चार्ली भाग कर अपनी वाइफ के पास आता है, उसे फोन बंद करने को कहता है और बताता है कि वो आदमी मर गया है। घबरा कर ये सब बाथरूम में जाते हैं। चार्ली की वाइफ उस आदमी की सांस चेक करती है और इन्हें यकीन हो जाता है कि वो आदमी मर गया है। चार्ली के भाई की हालत बहुत खराब हो जाती है, इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके हाथ से एक कत्ल हो गया था। मीना भी परेशान थी, वो चार्ली से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। वो कहता है कि हम इस मौत को एक एक्सीडेंट बना देंगे, यहाँ से सारे सबूत मिटा देंगे और वीडियो को भी ढूंढकर डिलीट कर देंगे। मीना राजी हो जाती है। वहीं पर चार्ली की वाइफ इन सभी कामों के लिए तैयार नहीं थी, वो पुलिस को फोन करने लगी थी। वो कहती है कि मैं पूरी जिंदगी इस दुख के साथ नहीं रह सकती कि हमसे एक कत्ल हुआ है। पर वहीं चार्ली अपने भाई को पूरी जिंदगी के लिए जेल जाता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए वो अपनी वाइफ को समझाता है और उसे सामान पैक करने के लिए कहता है ताकि अपना काम होते ही ये लोग यहाँ से चले जाएं। चार्ली की वाइफ को घर में ही छोड़कर ये तीनों घर के मालिक की लाश को समंदर में फेंकने के लिए जाते हैं। जब ये लोग उस लाश को समंदर में फेंकते हैं तो वो लाश पानी में गिरने की बजाय पहाड़ी से अटक जाती है। वो लाश को पत्थरों से मारकर पानी में गिराने की
कोशिश करते हैं। तब मीना का शोहर खुद नीचे उतरता है और उस लाश को पानी में गिरा देता है। घर पर जो चार्ली की वाइफ पैकिंग कर रही थी, उसे शावर की आवाज आती है। घर के सारे वॉशरूम चेक करती है, लेकिन कोई भी शावर चल नहीं रहा था। जब वो लाउंज में आती है, वहाँ एक वीडियो चल रही थी उसके शोहर चार्ली और मीना की। गुस्से में वो गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाती है। उस वक्त जब सब लोग घर वापस आ रहे थे, चार्ली उसके पीछे भागता है। वो गाड़ी रोक कर बताती है कि मैंने तुम्हारी और मीना की वीडियो देख ली है, मुझे अब सब सच पता चल गया है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इससे पहले चार्ली उसको कुछ कहता समझाता, वो वहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है। पीछे चार्ली और इसका भाई मीना घर पर वो वीडियो ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकल कर देखती है, वहाँ किसी ने जाल बिछाया था। यह चीज उसको परेशान कर देती है। वो गाड़ी के अंदर बैठ कर चार्ली को मैसेज करती है। इसी दौरान हमें इसकी तरफ एक आदमी आता दिखाया जाता है। चार्ली को जैसे ही अपनी वाइफ का मैसेज मिला था, वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आ जाता है। वो देखता है कि उसकी गाड़ी का साइड वाला शीशा टूटा हुआ है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और करीब जंगल में किसी के हाथ में इसकी वाइफ का फोन रिंग करता नजर आता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ ही है। वो जैसे ही आगे जाता है, उसके पांव के साथ कोई चीज टकराती है। जब वो नीचे देखता है तो नीचे उसकी वाइफ थी, जिसके सर को बुरी तरह हथौड़े से मारा था। वो मर गई थी। वो अभी यही देख रहा था कि अचानक मास्क वाला शख्स उसके पास आकर उसे भी मार देता है। घर पर मीना और इसके शोहर को जो मूवी के शुरू में इस घर के अंदर एक अजीब सा स्टोर मिला था, ये दोनों उसे चेक करने का फैसला करते हैं। दरवाजा तोड़कर जब ये अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। इस वक्त चार्ली के भाई को चार्ली का मैसेज आता है। वो एक वॉइस रिकॉर्ड था और साथ ही एक वीडियो भी थी, चार्ली और उसकी वाइफ मीना की। ये देखकर वो मीना से इन सब के बारे में पूछता है। मीना भी घबरा जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। उन्हें ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई आया है। उसे लगता है कि ये चार्ली ही है। वो पूरा घर चेक करता है, लेकिन चार्ली उसे कहीं नहीं नजर आता। वो जैसे ही स्टोर का दरवाजा खोलता है, अंदर मास्क वाला आदमी उस पर हमला कर देता है। गिरने की आवाज सुनकर मीना जब नीचे आती है, वो अपने शोहर को गिरा हुआ देखती है। जब ये मास्क वाला आदमी मीना की तरफ बढ़ता है, वो जख्मी मीना का शोहर इस आदमी का पांव पकड़कर रोकता है और मीना वहां से भाग जाती है। आदमी ऊपर जाकर चेक करता है जहां मीना नहीं थी। वो छत से नीचे देखता है, वहां मीना का एक जूता पड़ा था। उसे लगता है कि मीना वहां से कूदकर वहां से भाग गई है, इसीलिए वो घर से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद मीना अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर आती है। पीछे से वो आदमी मीना पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मीना अभी भी इस घर में थी, वो भागी नहीं थी। उसने घर से जाने का ड्रामा मीना को यहाँ से निकालने का किया था। मीना भी तैयारी करके आई थी, उसके हाथ में एक फिलफेयर था। वो फिलफेयर उस आदमी के मुंह में मारती है, पर मास्क की वजह से उसे कुछ नहीं होता। मीना जैसे तैसे करके उस आदमी को अपने से दूर करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वह सीढ़ियों से गिर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो हिम्मत करके उठती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। मास्क वाला आदमी भी उसके पीछे ही था। मीना अब थक जाती है, इसीलिए वो एक दरख्त के पीछे सांस लेती है, पर वो कातिल दोबारा उसके पीछे आ जाता है। अंधेरे में मीना फिर से भागती है, उसका पांव फिसल जाता है, वो पहाड़ी से नीचे समंदर में गिर जाती है। इस मास्क वाले आदमी ने, इस कातिल ने इन चारों को मार दिया था। यहां से सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि कातिल मर्डर के एविडेंस खत्म कर रहा था। उसने घर से सारे कैमराज हटा दिए थे। वो अब नया घर किराए पर लेता है और वहां दोबारा से एक नया सिस्टम लगाता है, जिससे साफ जाहिर है ये आदमी एक सीरियल कातिल है और अपनी बुरी आदत से वो लोगों को मार रहा था। उसने अब नया घर एक ट्रैप के तौर पर तैयार किया था। इसका मतलब ये था कि ये सिलसिला अभी रुका नहीं था, ये कातिल और लोगों को मारने के लिए तैयार था, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों हमारी एक्सप्लेन मूवी आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियो एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे रजीला फिल्म को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।